रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। इंडेक्सेस, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इंडिया की रैंकिंग 177 है, बहुत पुअर है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम 122वें नंबर पे हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। हम 133 पे हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा खुश है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। समावेशी विकास सूचकांक इसको बोलते हैं, कई बार पूछा गया है। इंडिया की रैंकिंग 62 है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इस पे हम 47। ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन कंपटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें हम 81 पे हैं। दो रैंकों में हम 81 पे हैं, एक तो कंपटिटिवनेस में और दूसरा करप्शन में, याद रहेगा दोनों। 81 कंपटिटिवनेस इंडेक्स में एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है, बस रिवीजन करा रहा हूँ मैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 30वें नंबर पे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसलिए इसको याद करके जाना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये तो आप छोड़ सकते हैं, इंडिया 78 पे है, इसको खैर आप छोड़ सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, 2017 का इंडेक्स है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक असमानता रिपोर्ट, तो 0 से 1 के बीच में इसमें सूचकांक दिया जाता है। 0 टोटल गैप शो करता है और 1 टोटल जेंडर इक्वलिटी शो करता है। भारत की रैंकिंग 108/145 है, 144 है। भारत की रैंकिंग 108 है 144 देशों में, आप ये याद रखिए, भारत की रैंकिंग 108। स्कोर है 0.669, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहेगा। ये शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य, राजनीति, इन सब पे दिया जाता है, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 2016 के लिए दिया गया था, 131 इंडिया था, 131 नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे। पूछा गया था इसमें कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे भी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन का है। इंडिया की 14th रैंक है, 14th रैंक क्या है, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया की रैंकिंग 14 है। आतंकवाद सूचकांक में हम 8वें नंबर पे हैं, ये तो खैर बासी हो चुका, स्टेल पुरानी न्यूज़ है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैंने पर्सनली आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। इंडिया की रैंकिंग पिछले साल 32 अंकों का सुधार हुआ, पिछले 3 सालों में 42 अंकों का सुधार हुआ, अभी की रैंकिंग 100 है 190 देशों में। जारी करता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पोजिशन पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 100 रैंक पे हैं, तो दो रैंक में हम 100 नंबर पे हैं। कौन कौन सी पे, एक तो भूख में, ग्लोबल हंगर में, और एक भूख व्यापार करने में, किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम 40 नंबर पे हैं। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, 103 पे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है फॉरेस्ट वाले एग्जाम में, ये पूछ लिया गया था। इंडिया की रैंकिंग 116 पूछी जा चुकी है, तो अब दोबारा ये नहीं पूछी जाएगी। ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़ दीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार किसी रैंक में इंडिया को पहली पोजीशन मिली है, उसका नाम है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा प्राउड फील होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें हम 137 पे, हम बहुत पीछे हैं शांति में, ठीक है, 137 रैंक है हमारी। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स, ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में इंडिया 68 नंबर पे है, याद रखना है इसको। और कोऑपरेटिव बैंकिंग रेट का सर्वे हुआ था, इंडिया 2nd नंबर पे है। कोऑपरेटिव बैंकिंग रेट का एक सर्वे हुआ था, इसमें इंडिया 2nd नंबर पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में जो समिट हुई, उसमें आकलन क्या लगाया गया कि अगर जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म कर दी जाए इंडिया से, तो इंडिया की GDP 27% बढ़ जाएगी। मतलब लैंगिक असमानता अगर ख़त्म कर दी जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि लैंगिक समानता से 27% इंडिया की GDP बढ़ जाएगी। 2018 को महिलाओं की सफलता का वर्ष बनाने की पैरोकारी भारत ने की, 2018 को। तो भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, ये डाटा आपको नोट करके चलना है। यानी कि टोटल लेबर कैपिटल में महिलाओं की पार्टिसिपेशन सर्वाधिक किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में।
आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने रिवार्ड वर्क नॉट वेल्थ ये एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 1% जो अमीर हैं उनके पास देश की 73% संपत्ति है। 73% संपत्ति देश की 1% अमीरों के पास है। देश में जीडीपी का 15% हिस्सा देश के 1% धनवानों के पास है। तो ये दो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये एक लीड्स इंडेक्स जारी हुआ। डेलापेट और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, दोनों लोगों ने मिलकर के सर्वे किया 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। याद रखेंगे गुजरात नंबर एक पर है लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक क्या होता है एक्चुअली? लॉजिस्टिक का मतलब जैसे आपने कोई उत्पादन किया किसी चीज़ का, मतलब मूंगफली का उत्पादन हुआ, तो मूंगफली का उत्पादन वहाँ प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट तक आने में जो भी उसको सुविधाएं दी जा रही है, पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिस्टिक। उसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब कुछ आता है। तो वो सबसे बढ़िया किसको मिला? गुजरात नंबर वन पे है और अपने उत्तर प्रदेश की 10वीं रैंक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 35वां स्थान है। याद रखेंगे एक तो हमारा आंतरिक पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हो गया, और दूसरा वर्ल्ड बैंक निकालता है एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये ऐसा क्यों करता है? वर्ल्ड बैंक किस लिए पैसा देता है? वर्ल्ड बैंक लोग गरीब देशों को विकास के लिए पैसा देता है, सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराता है, ये सब काम करता है। लिगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक, इसमें भारत की 100वीं रैंक है। नार्वे, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, यूनाइटेड नेशन का सबसे पुराना संगठन है। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट। नीति आयोग और चीन की विकास अनुसंधान परिषद के बीच संवाद कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ। ये याद रखेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ है ये। नीति आयोग और चीन का जो विकास अनुसंधान, जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग हो गया, वैसे चीन का विकास अनुसंधान परिषद है, उनके बीच डायलॉग पार्टनरशिप कहाँ हुआ? बीजिंग में। यूनिसेफ द्वारा स्टेट ऑफ द चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2017 जारी की गई। इसका थीम था चिल्ड्रेन इन डिजिटल वर्ल्ड। थीम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, याद है, याद रखिएगा। स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन रिपोर्ट कौन जारी किया? यूनिसेफ ने। बच्चों को प्रभावित करने वाली वैश्विक प्रवृत्तियों का विश्लेषण। वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 2017, ये नई दिल्ली में हुआ। कुछ मैंने शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट नोट कर ली है जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप समिट, ये नई दिल्ली में हुआ। भारत जापान वैश्विक भागीदारी पहल से विकसित हुआ है ये। क्या? ग्लोबल पार्टनरशिप समिट, ये भारत जापान वैश्विक भागीदारी पहल से विकसित हुआ है। अगली खबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय आय के कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय आय का बेस ईयर सबसे पहले याद रट लीजिए, 2011-12 है। इसको अनुमान कौन लगाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत एक संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा ये अनुमान लगाता है। MOSPI की एक MP लार्ड स्कीम चलती है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव एरिया डेवलपमेंट फंड कुछ करके, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, लेजिस्लेटिव ने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड चलता है, MP लार्ड स्कीम। 5.3% हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है। तो जो मैं आंकड़े बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से रट लीजिए, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। 2017-18 में पर कैपिटा इनकम, दो आंकड़े आपको याद रखना है, एक तो 86,660 रुपीज़ और एक 1,11,700। आप ऐसे मत याद रखिए, आप याद रखिए 1,11,000, ये ऐसे, और 86,000, इतना ही बहुत है आपके लिए। इससे ज़्यादा अभी नहीं देगा, 660-665 ऐसा नहीं देता है, ना इतना याद रखना पॉसिबल है। अब दो नेशनल इनकम कैसे हो गई पर कैपिटा, ये ऐसे हो गई कि एक हमने करंट प्राइस पे निकाला, चालू कीमत पर, और दूसरा हमने फिक्स्ड प्राइस पर निकाला। फिक्स्ड प्राइस मतलब जो बेस ईयर 2011-12 पे कैलकुलेट हो, मतलब आज अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो इस 100 रुपये की कीमत 2011-12 में क्या थी? रुपए की कीमत घटती भी तो रहती दिनों दिन, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। आज जो सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है वो 2011-12 में वही सामान आपको 80 रुपये में मिला करता था, क्योंकि महंगाई कम थी। धीरे धीरे 5-5, 6-6% महंगाई भी तो रहती है। तो आप याद रखेंगे चालू कीमतों पर अधिक है, 1,11,000 रुपये हमारी नेशनल पर कैपिटा नेशनल इनकम है, और दूसरा 86,000 बेस ईयर पे कम होती, बेस ईयर पे। दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे, प्रश्न दोनों में से कोई भी एक पूछ लेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी नहीं होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। और जीडीपी की डिफिनेशन क्या होती है कि
क्रॉस वैल्यू एडेड प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस प्रोडक्शन माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ये तो खैर आपको पढ़ाया जाएगा। स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि लोक प्रशासन रक्षा अन्य क्षेत्रों में हुई, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपको 1,11,000 और 86,000 पर कैपिटा, यानी कि एवरेज एक हिंदुस्तान में एक आदमी इतना रुपया कमाता है। कोयला खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई, कोयला खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई कैसे? कोल माइन एक्ट 2015 में संशोधन करके, माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, ठीक है। कोल नेशनलाइज किया गया था 1973 में, कोल इंडिया लिमिटेड अभी तक मोनोपोली थी इसकी, अब चेंज हो गई। देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनकी नई डिफिनीशन डाली गई। पहले क्या था मंत्रालय, इनका मंत्रालय जान लीजिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये मंत्रालय है, गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से गढ़ी गई। पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट के स्थान पर एनुअल टर्नओवर, वार्षिक कारोबार के आधार पर तय होगा, ठीक है। पहले कैसे तय होता था? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, अब एनुअल टर्नओवर, वार्षिक कारोबार के आधार पर तय होगा। तो वार्षिक कारोबार के आधार पर मतलब अगर साल भर में टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, चाहे वो, पहले देखिए सर्विसेज के लिए अलग एमएसएमई का क्लासिफिकेशन था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, अभी सभी एक में कर दिया। क्या बोल रहा है कि अगर साल भर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको माइक्रो इंटरप्राइज बोला जाएगा, 5 करोड़ से 75 करोड़ है तो आपको स्मॉल कहा जाएगा, 75 करोड़ से 250 करोड़ है तो आपको मीडियम इंटरप्राइज कहा जाएगा। और टोटल अगर आपके टर्नओवर, टर्नओवर प्रॉफिट नहीं, मतलब टर्नओवर 250 करोड़, 250 करोड़ तक टर्नओवर है तो कॉरपोरेशन टैक्स में 25% दिया जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। ये सब तो बजट में आपको याद ही होगा, तो यहाँ से ही आया है, एमएसएमई पे 25% ही लगता है, ठीक है। फॉर्च्यून मैगजीन, ये टाइम इंक प्रकाशित करती है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी लिस्ट में वॉलमार्ट को नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। इंडियन ऑयल, सबसे हमारी जो अच्छी कंपनी इंडियन ऑयल को 168th पोजीशन दी गई। भारत की कुल 7 कंपनियां फॉर्च्यून 500 में सम्मिलित हैं। पहले नंबर 1 पे ONGC हुआ करती थी, फिर कुछ दिनों बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, अभी इंडियन ऑयल हो गई भारत की तरफ से नंबर 1 पे, ओवरऑल 168th नंबर पे। फोर्ब्स 100 टेक्स रिच में बिल गेट्स ऑब्वियसली नंबर 1 पर ही होंगे। 2016-17 में विंड एनर्जी में 5400 मेगावाट की वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। टारगेट भारत सरकार ने 4000 मेगावाट का रखा था, लेकिन वृद्धि कितनी हुई? 5400 में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई विंड एनर्जी में? आंध्र प्रदेश में। पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसमें? संस्थापित क्षमता के संदर्भ में। क्षमता सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी की चाइना में खूब हवा बहती है, नंबर 2 यूएसए, 3 जर्मनी, भारत अपना महान चौथे देश पर। वोडाफोन का आइडिया में विलय होगा, ये तो मतलब वन लाइनर टाइप है, कुछ खास पूछा नहीं जाने वाला है। यूनाइटेड नेशन ने 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। कुल रोजगार की दृष्टि से 2 नंबर पे हैं हम, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ये बताता है। अप्रैल 2017 में बंगनपल्ली आम को GI टैग दिया गया, कल सुबह मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। GI टैग एक और चीज़ को दिया गया, किसको? कड़कनाथ मुर्गे को। तो कड़कनाथ मुर्गा तो अभी जस्ट कल की न्यूज़ थी, बट आंध्र बंगनपल्ली आम पुरानी न्यूज़ है, मतलब ये पूछी जा सकती है। आंध्र प्रदेश का ये आम है। GI टैग से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल पे GI टैग का वीडियो देख लीजिए, सर ने आपको पढ़ाया हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका टेस्ट लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, चेन्नई में है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। कन्फ्यूज मत होइएगा इसको लेकर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को समाप्त करके FDI को डिपार्टमेंट क्लियर करेगा। हाल ही में कौन सी संस्था को भारत ने समाप्त कर दिया, भारत सरकार ने? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड या FIPB को समाप्त कर दिया। इसका फुल फॉर्म बताइए, तो ऐसे ही पूछ लेगा। सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, चीन उसका फोकस देश था। इसके अलावा उसमें खबर महत्वपूर्ण नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा
ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स को 2011-12 जो बेस ईयर चेंज किया जाता है, तो WPI होलसेल प्राइसेस इंडेक्स इसका भी चेंज कर दिया गया 2011-12। इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी सबका बेस ईयर कौन चेंज करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन WPI का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन चेंज करता है, याद रहेगा। नेशनल इनकम का भी हमने देखा था ना, दो बेस ईयर क्या है 2011-12। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग का एक तो 3 साल का इनका कार्य कार्य एजेंडा है, 3 ईयर प्लान है। ओवरऑल इनका 15 साल का विजन है। अब 5 ईयर प्लान का जमाना गया, नेहरू का जो प्लानिंग चीज था 5 ईयर प्लान वो खत्म हो गया। अब विजन आएगा आया है 15 साल का, 2031-32 तक का हमारा विजन है। ये ईयर याद रखेंगे, पूछ लेगा डायरेक्टली। स्ट्रेटजी 7 साल की बनाई है उन्होंने, एक्शन एजेंडा 3 साल का 2020 तक, याद रखेंगे। 7 साल की स्ट्रेटजी बनाई थी इसलिए सारी योजनाओं का 2022 तक ये बताते हैं ना, हाउसिंग फॉर ऑल और ये सब। खाद्यान्न उत्पादन में चावल में ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है, गेहूं में कम। पिछले फॉरेस्ट वाले एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि इस भारत में सर्वाधिक एरिया कौन सी खाद्यान्न फसल में है, चावल में है कि गेहूं में है, बताइए। अगर आपने ये चीज तैयार नहीं की है तो इस हिसाब से याद कीजिएगा, कृषि वाला, कि सबसे ज्यादा एरिया किस में है। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से गेहूं होना चाहिए। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये जारी करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कुछ काउंसिल करके है, वो रिकमेंड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको डिसाइड करती है। यूपी सरकार का जो MSP है वो आप देख लीजिएगा आंकड़े, कि गेहूं के और चावल के रिस्पेक्ट में हमने कितना MSP डिक्लेयर कर रखा है यूपी ने, वो आंकड़े महत्वपूर्ण है। भारत 22, इंडिया 22 क्या है? इंडिया 22 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी, एशियन इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड सूचकांक प्रदाता है। भारत 22, आप जस्ट ये ध्यान लीजिएगा, पूछ लेगा व्हाट इज इंडिया 22, सुपर कंप्यूटर है, मौसम विज्ञान से संबंधित है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आप लगाएंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होता था वैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। इसने रिपोर्ट जारी की जिसमें एक चैप्टर है जिसमें मोदी के राष्ट्रवाद से खतरा नाम है। भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसने 136वां स्थान दिया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बवाल हुआ था इस पर, तो ये 136 रैंक बस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। लकी ग्राहक योजना, डिजिटल व्यापार योजना, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका क्रियान्वयन कौन किया था, ये सब नोटबंदी के टाइम की योजनाएं हैं, बट खुदा ना खास्ता कुछ भी पूछ ले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा व्यापारियों के लिए योजना, एक तो लकी ग्राहक योजना व्यापारी के लिए थी और डिजी धन व्यापार योजना व्यापारियों के लिए थी। लकी ग्राहक योजना ये ग्राहक के लिए थी और डिजी धन व्यापार योजना ये व्यापारियों के लिए थी। क्रियान्वयन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये 2016 में दुबई में हुआ था, ये खबर याद रखेंगे आप। सेंट्रल MSP कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करता है, तो बताया आपको। कौन रिकमेंड करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगली खबर पे चलते हैं, अंकटाड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया अंकटाड ने। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट प्रकाशित की, भारत की विकास दर 6.7% अनुमानित किया, इसमें खबर भी इतनी थी, अंकटाड ने भारत की विकास दर को कितना प्रतिशत अनुमानित किया, तो 6.7%, पूछे जाने की संभावना नगण्य है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना, इसका एक रीजनल सेंटर झारखंड में खोला जा रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे ही पूसा रोड पर करोल बाग में यहीं पे है बगल में। चमन परियोजना, ये परियोजना क्या है? कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर एसेट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, चमन का फुल फॉर्म हो गया ये, मैं तो तंग आ गया हूँ उनके एक्रोनिम से। चमन हिंदी में है चमन, अंग्रेजी में इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। चमन परियोजना आप मंत्रालय याद रखेंगे, कृषि वाला मंत्रालय है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग इसी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
एकीकृत हॉर्टिकल्चर विकास मिशन के अंतर्गत चमन महाबलिस नेशनल क्रॉप फॉरेस्ट सेंटर नई दिल्ली द्वारा ये डिजाइंड है। चमन परियोजना किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फ्रूट मतलब फल, वेजिटेबल मतलब सब्जियां, प्लस फ्लावर्स। प्लान, प्लान एक एनजीओ है, प्लान इंडिया रिपोर्ट निकाली इसने। इसने क्या कहा कि जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स एक रिपोर्ट हम निकाल रहे हैं जिसमें गोवा पहले स्थान पर है। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उत्तर प्रदेश हमारा 29वें स्थान पर है। बहुत अधिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ होता है। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति का क्या मतलब है? मत्स्य उत्पादन। अभी जारी हुआ एजेंडा 2020-21 तक का, इसमें 15 मिलियन मीट्रिक टन तक मछली का उत्पादन करना है। मार्च 2017 में मिशन फिंगरलिंग प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे FINGERLING, मिशन फिंगरलिंग। ये बड़ी मछलियों की युवा प्रजाति होती है। मतलब अगर कोई मछली मान लीजिए कि 10 फुट लंबी मछली होती है तो पूरे जीवन काल में, तो युवा अवस्था में वो अटेन कर जाती है ना 9 पॉइंट समथिंग फुट तक। तो वो जो बड़ी मछलियों के जो युवा होते हैं इनको फिंगरलिंग बोलते हैं। अगली खबर पर चलते हैं। नेशनल इनकम ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, 86,001,00,000, ठीक है उसको छोड़ दीजिए आप। यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये 1/1/2018 को जारी हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। इम्पॉर्टेंट है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस रिविज़न करा रहे हैं। हाल ही में यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी घोषित हुई जिसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। उद्देश्य क्या है? जनरल नेचर की, देखिए उद्देश्य जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो रोजगार को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक हब विकसित करना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, खूब जनरल जैसे पॉइंट लिखे रहेंगे तो उन सबको आप सही मानेंगे। सब्सिडी दी जाएगी, हाँ यस। अब कितनी सब्सिडी दी जाएगी इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए बहुत जगह लिखा होता है कि जीएसटी पे छूट दी जाती है, जीएसटी पे छूट नहीं होगी, एसजीएसटी पे छूट होगी। जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं ना, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी वाले पे 10 वर्ष के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी, मतलब छूट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इनको टैक्स ही नहीं देना है, आपको टैक्स भरना है जिसका रीइंबर्समेंट सरकार करेगी, ठीक है। फोर्ब्स ने 100 भारतीय सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की जिसमें सलमान भाई को पहली रैंक प्राप्त हुई। फोर्ब्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय सेलिब्रिटी लिस्ट जारी करता है फोर्ब्स, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को 7th पोजीशन मिली, महिलाओं में नंबर 1। कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, ये कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ही सरकार ने प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए लाई है क्षमता निर्माण योजना, सभी वर्गों के लिए है ये क्षमता निर्माण योजना। क्या बोलेंगे आप कपड़ा क्षेत्र में? WTO की 11th मिनिस्ट्रियल टॉक हुई ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। WTO ई कॉमर्स वार्ता भी शुरू किया गया और MSME हेतु अवसरों का सृजन समावेशी इसका एक थीम था। फोर्ब्स की 50 एशियाई अमीर परिवारों की सूची में अंबानी परिवार नंबर 1। इंस्पायर, इंस्पायर क्या है? इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी। ये फुल फॉर्म हो गया जो बिल्कुल याद नहीं रहना है आपको। ये है क्या? जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ एक सम्मेलन है इंस्पायर, जिसमें जिसको EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, यही तो उजाला स्कीम जो LED वाली चलाती है, यही तो चलाती है, ठीक है। EEEE और वर्ल्ड बैंक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, टेरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने आयोजित किया। तो ये खास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कितने लोगों ने कहा, इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्पायर कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देना, बस आप ये याद रखेंगे इंस्पायर कहाँ पे हुआ, जयपुर में। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, इसके चेयरमैन बद्री नारायण शर्मा, 3 साल के लिए बॉडी बनाई गई है। GST के तहत ये संस्था है जिसमें मुनाफाखोरी को रोकना इसका उद्देश्य है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI जारी करता है, छमाही रिपोर्ट है ये, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बैंकिंग स्थिरता सूचकांक भी जारी करता है, हाई रिस्क बैंक। GDP बढ़ रहा है और जैसे जैसे GDP बढ़ रहा है बैंकों का रिस्क भी बढ़ रहा है, यही बोला उन्होंने। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI जारी करता है। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल का हाल ही में गठन हुआ और विवेक देवराय साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। इंपॉर्टेंट खबर है, ये प्रश्न आ सकता है। 2000
या उससे कम की मतलब ट्रांजेक्शन पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट कार्ड पर MDR फ्री, अब फ्री लग गया। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं कहीं भी सामान खरीद करके, तो MRP का जो 2% मतलब ट्रांजेक्शन का 2% होता है, उस दुकानदार को MDR देना पड़ता है जो कार्ड प्रोवाइडर मतलब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उस पर सरकार अब इसको 2,000 रुपये वो उस पर प्रतिपूर्ति करेगी। लॉजिस्टिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दे दिया गया है, रसद क्षेत्र का। क्यों? क्योंकि हमको लॉजिस्टिक सेक्टर में खूब इम्प्रूवमेंट करना है। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब, आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, टैक्स डिवोल्यूशन करते हैं। ये बड़ा बवाल हो रहा है कि 2011 के बजाय अब 1971 की जनगणना पर करिए, ये सब तो खैर हम फाइनेंस कमीशन को डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। स्टेट के फाइनेंस को कैसे ऑगमेंट करना है, मतलब बढ़ावा देना है राज्यों के वित्त को, GST पर, न्यू इंडिया 2022, ये सब इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। वर्तमान में 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू है, जिसके तहत 42% टैक्स डिवोल्यूशन है सरकारों को, किसका? नेट डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, नेट पूल ऑफ टैक्सेस। और जो इनका कार्य 14वां चल रहा है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक इसका कार्यकाल है। YV रेड्डी इसके 14वें के अध्यक्ष थे। फिंच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने फिस्कल डेफिसिट को कहा है कि 3.5% तक रहेगी, ये लाइन याद रखिएगा। और मूडी ने क्या कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बढ़ती एवं स्थायी अर्थव्यवस्था रुख है। तो मूडी और फिंच और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं हैं। जब आप लोन लेने जाते हैं किसी बैंक में, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है कि मार्केट में कुछ आपकी वैल्यू है कि नहीं। तो ये लोग हैं फिंच, मूडी, ये सब जो देशों को क्रेडिट रेटिंग देते हैं, देश भी तो उधार लेने मार्केट में जाते हैं, तो इन लोगों की क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। हाल ही में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, क्योंकि वर्षों बाद मूडी ने BAA2 कर दिया भारत की रैंकिंग। पहले BAA3 थी, धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे हैं, ए की तरफ आ रहे हैं, अभी BAA2 पे आ गए हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने तो BBB3 ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया, बट मूडी ने चेंज कर दिया, याद रखेंगे आप। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। मालदीव में आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन ने। हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा? मालदीव में। ये कोरल आइलैंड है, एटोल टाइप का आइलैंड है, इक्वेटर के ऊपर है, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे, इंडियन ओशन में है, मालदीव की राजधानी है। भारत सेशल्स समझौता, सेशल्स भी एक द्वीप है, इंडियन ओशन का द्वीप है, देखेंगे आप इक्वेटर के ऊपर है या नीचे है। सैन्य सुविधाओं का विकास, प्रबंधन रखरखाव पर समझौता। भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ये जनवरी 2018 में दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट है। अभी आसियान वाले सब भारत में आए हुए थे, 26 जनवरी को विशेष गेस्ट थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आसियान में कितने देश हैं, और 10 राष्ट्राध्यक्ष आसियान शिखर सम्मेलन में आए थे। 69वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे 10 राष्ट्राध्यक्ष, पहली बार 10 लोग आए थे भारत आसियान, आसियान के लोग चीफ गेस्ट हैं। थीम क्या था? शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी, यानी कि भारत आसियान मैत्रीपूर्ण संबंध के 25 साल पूर्ण होने पर। 24/1/2019 को भारत आसियान मैत्री पार्क का शुभारंभ हुआ, 2019 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब खबरें। 2019 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष और भारत आसियान मैत्री पार्क का शुभारंभ कब किया गया? 24 जनवरी को। दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र भी इसी से रिलेटेड है। इंडोनेशिया महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए वहाँ पर गरुड़ एयरलाइंस का नाम इंडोनेशिया की गरुड़ है, और रुपया उनकी मुद्रा है, मतलब इंडोनेशियाई रुपीज़ उनकी मुद्रा है। इंडोनेशिया का कल्चर भारत से बहुत मिलता जुलता है, रामायण वहाँ पे होती है। आसियान कनेक्टिविटी 2025 तक, और आसियान ICC मास्टर प्लान, ये $1 अरब दिया जाएगा इसके तहत। अकेलापन मंत्रालय किस देश ने बनाया? इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन ने। यहाँ बहुत लोनलीनेस लोग फील कर रहे हैं। और आनंद मंत्रालय किसने बनाया था? मध्य प्रदेश ने। खुशी मंत्रालय सऊदी अरब, और अपने यहाँ आनंद मंत्रालय मध्य प्रदेश। प्रोपोगंडा डिपार्टमेंट उत्तरी कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें जितनी बता रहा हूँ, इसमें से एक प्रश्न फंस सकता है। अकेलापन मंत्रालय ब्रिटेन, खुशी मंत्रालय सऊदी अरब, प्रोपोगंडा डिपार्टमेंट उत्तरी कोरिया, और आनंद विभाग मध्य प्रदेश। शटडाउन, काम बंदी, ये कहाँ पर हुआ? हाल ही में किस देश में काम बंदी हुई? अमेरिका में। इनके यहाँ सीनेट ने पैसा पास नहीं किया वेतन देने का 3-4 दिन तक, तो काम बंदी थी अमेरिका में, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री को विशेष महत्व मिला था इसमें, अगुवाई मोदी जी ने की थी, पहली बार हिंदी में भाषण दिया, और पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के किसी भारतीय प्रधानमंत्री को उसकी अगुवाई का मौका मिला। क्लाइमेट चेंज और प्रोटेक्शनिज्म और टेररिज्म पर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया।
भारत वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ 42वें सदस्य के रूप में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल हुआ 43वें सदस्य के रूप में। ये सब दोनों अरेंजमेंट के हथियारों के निर्यात को निर्मित करते हैं। वासेनार शहर कहाँ पर है, किस देश में, नीदरलैंड में, ये भी खबर है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको 10-10 बार बता चुका हूँ, अगर अब भी प्रश्न गलत हो जाए तो फिर तो इस लापरवाही ही कहेंगे। हम्बन टोटा एक श्रीलंका का पोर्ट है, दक्षिणी प्रांत में बंदरगाह है। चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया इसने, श्रीलंका ने हाल ही में, श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर कौन सा पोर्ट दिया, हम्बन टोटा। शहीद बेहस्ती बंदरगाह, ये कौन सा बंदरगाह है, आप सब जानते हैं चाबहार बंदरगाह है ईरान वाला, उसी का नामकरण शहीद बेहस्ती बंदरगाह कर दिया गया। इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ। भारत ने अफगानिस्तान अपना जो गेहूँ भेजा 40,000 टन, तो वो इसी पोर्ट के माध्यम से भेजा, शहीद बेहस्ती यानी कि चाबहार बंदरगाह। 2003 में इंडिया ईरान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और फ्यूल एनर्जी को ऑपरेशन हुआ था नई दिल्ली में, उसके तहत ये हमने पोर्ट बनाया ईरान में चाबहार। डोकलाम इशू आप सबको पता है, इंडिया भूटान चाइना के ट्राई जंक्शन है ये, डोंगलोंग बोलते हैं इसको, डोकाला भी बोलते हैं इसको, याद रहेगा ट्राई जंक्शन पॉइंट है ये। इंडिया भूटान 1949 में एग्रीमेंट किए थे, जिसके तहत भारत ने कहा था कि हम भूटान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसी के तहत 2007 में नई मैत्री संधि भी हुई थी और इसको रिन्यू कर दिया गया था कि हम डिफेंस और एक्सटर्नल मैटर आपका देखेंगे, कोई आपके ऊपर कुछ करने नहीं पाएगा। रखाइन प्रांत म्यांमार दक्षिण पश्चिमी म्यांमार में है। देखिए म्यांमार अगर आप ऐसे मान लीजिए तो उसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ रखाइन प्रांत है, बांग्लादेश के साथ ये लगा हुआ है, यहीं से ये लोग जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो ये लोग माइग्रेट करके इंडिया बांग्लादेश में गए। आश्चर्य की बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान नहीं गए या किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं मैक्सिमम, भारत और बांग्लादेश में। रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं रखाइन प्रांत में। और UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने इनको सबसे वनरेबल माइग्रेंट का दर्जा दिया है रोहिंग्या मुस्लिम्स को। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश में शुरू किया था, हम यहाँ से रसद भेज रहे थे खाना कपड़ा कहाँ पे, बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए। भारत अशगाबाद समझौते में शामिल हुआ, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इसमें क्या फ़ायदा क्या हुआ अशगाबाद समझौते में शामिल होने पे, कि भारत को फारस की खाड़ी से मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित हुई, ठीक है। तो ये तो हुई रिवीजन सीरीज, अभी के लिए इतना ही। देखिए कल मैंने सुबह एक न्यूज़ आपको पढ़ाई थी, थोड़ा पढ़ने में मुझसे गलती हो गई थी, कि कलमकारी का म्यूज़ियम भोपाल में नहीं खोला गया, वो पेड़ाना आंध्र प्रदेश में खोला गया, ठीक है। तो वो उस फैक्चुअल एरर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।